नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे दिया है जो वाकई तमाम सवाल खड़े करता है। दरअसल उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी तैयारी तो 75 से 100 सीटों तक की है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि गठबंधन उन्हें 25 सीटें देगी। हालांकि इसके बाद से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या एनडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जीतन राम मांझी का जो बयान सामने आया है आपको वो सुनवाते हैं। यही लास्ट है। 25 को लेकर कैसी तैयारी है विधानसभा को लेकर हिंदुस्तानी आवाम? देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2015 में 25 सीट पर एकता लड़ी थी, 21 सीट अपना सिंबल पर और 4 सीट भाजपा के सिंबल पर। इस बार 2025 में कम से कम हम लोग 25 सीट पर जरूर लड़ेंगे और उसके लिए हमारी तैयारी 25 नहीं 75 और 100 सीटों पर है, जहां हम लोगों को मदद करेंगे। गठबंधन में हैं तो लोगों को मदद करेंगे। आज भी जैसा आपको कहा, आज हमारी पहचान इसलिए बनी है कि हमारे कार्यकर्ता जहां हम न भी गए हैं वो गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए 100% लोग वोट किया है। तो इसी प्रकार से हम जब वोट करेंगे तब ना हमको उनके लोग भी वोट करेगा, इसलिए हम टारगेट रखे हैं कम से कम 25 सीट पर हम जरूर लड़ेंगे और आगे भी सीट अगर मिलेगा तो भी लड़ेंगे। तो सुना आपने, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता मयंक मौली जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं मयंक जी से लेना चाहूंगी। मयंक जी, आपको नहीं लगता एनडीए में विवाद होने वाला है कुछ दिनों बाद, क्योंकि जिस तरह से अभी जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है कि वो कह रहे हैं कि गठबंधन से 25 सीटों की उम्मीद करते हैं? जी, इसमें कोई विवाद वाली परिस्थितियां नहीं है। राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल ऑब्वियसली जो चुनाव में लड़ने के लिए और चुनाव में सीटों के लिए ही बातें की जाती हैं, उनका ध्येय वही होता है। कोई राजनीति में साधु बनने तो आया नहीं है, और अगर उन्होंने सीटों की बात की है ठीक है, ये उनका अपना परिप्रेक्ष्य है और बीइंग अ राजनीतिक दल, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन जहां बात व्यापक रूप से जब गठबंधन की आती है तो गठबंधन में सीटों का फैसला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सड़क पे नहीं होता है। उसके लिए एनडीए समन्वय समिति की बैठक होगी जो कि चुनाव के नजदीक आने के दौरान की जाएगी। उस दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय हो जाएगा। और जिन बातों को लेके पिछले 2 दिनों से जो बातें चल रही हैं उस पर आदरणीय मांझी जी का बयान भी स्पष्टीकरण वाला आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है बकायदा कि उनके बातों को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया गया है कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा, जिसपे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, चाहे मामला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे किए गए उनके बातों का हो या फिर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर हो। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भैया एनडीए अटूट है, मैं एनडीए में हूँ, था और रहूंगा। उन्होंने अपने पुत्र का भी जिक्र करते हुए कहा है कि कभी वो एक मंत्रालय का मालिक हुआ करते थे, आज उनके पास 3-3 मंत्रालय है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, मेरा जो कैडर है वो 100% वोट जो है वो ट्रांसफर कराता है। अब जो एनडीए के बैकअप स्वरूप को अगर जब बात करें हम तो एनडीए में कहाँ कोई संशय की स्थिति देखने को मिल रही है। ये बनस्पत कहिए कि महागठबंधन को दिक्कत, कहिए पेट में दर्द है इन चीजों को लेकर कि एनडीए में इस कदर एकजुटता क्यों है, जिसपे राजद के जो कहिए मुख्य प्रवक्ता सरीखे जो मृत्युंजय तिवारी जी का भी एक बयान हमने देखा, जो कि आदरणीय मांझी जी के बारे में जो कहिए अनाप शनाप बातें कर रहे थे, तो वो पिछले बार यही लोग थे जो कि उन्हें उप मुख्यमंत्री तक का सीट ऑफर कर रहे थे, वो छोड़ करके मांझी जी जो है उन्होंने एनडीए का हाथ थामा है। तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में कोई भी अभी चिंता की स्थिति है, चाहे सीट शेयरिंग की बात कर लीजिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो बातों को लेकर के जो तूल दिया जा रहा है उसके ऊपर। जी चलिए ठीक है मयंक मौली जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं प्रमोद जी का। प्रमोद जी, मयंक जी का तो कहना है कि सब कुछ ठीक है और ठीक चलेगा, परेशानी आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। देखिए सवा जी, ये लोग तो बोले गए हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन जो इन्हीं के घटक दल के द्वारा जो बातें सामने निकल करके आती है, जैसे
कल भी जो बातें आई, परसों भी जो बातें आई, तो मांझी जी ने तो कहा कि एक समय तो चाहते थे कि लोग हमारे दल में विलय कर, ये हम लोग तो बोले नहीं है ये बात को, तो कहीं ना कहीं जो उनका दर्द है मांझी जी का वो सामने निकल करके आ रहा है कि एक समय परिस्थितियां ऐसी थी, लोग हमको कह रहे थे कि विलय कर लीजिए, लेकिन आज हम जो है केंद्र में मंत्री हैं। तो सवाल उठता है इन लोग, ये अलग बात है कि ये लोग आपस में एकजुटता का तो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे में भीतर घात ये लोग करने का काम करते रहते हैं, एक दूसरे को मतलब खींचतान की जो स्थिति है वो बनाए रखे हुए हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखलाने के का काम करते रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे सवाल करिएगा तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। चलिए प्रमोद जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सौरभ जी से सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी, क्या लगता है जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है? जैसा कि उन्होंने बयान दिया है कि वो उम्मीद करते हैं कि 25 सीटें उन्हें गठबंधन की तरफ से मिलेगी। जी बिल्कुल सबर, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन, केवल नीतीश कुमार की टेंशन नहीं बढ़ाई है, पूरा एनडीए में जितने भी सहयोगी दल है सभी की टेंशन जीतन राम मांझी ने बढ़ा दी है। कारण कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही, और उस बीच में ये कह देना कि 25 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे और 25 सीटों पर हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा बयान है। और निश्चित रूप से ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जब आप सहयोगी दल है किसी भी सरकार में, और कि चाहे एनडीए की सरकार हो या केंद्र में सरकार हो या फिर बिहार में सरकार हो, और अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि अभी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत हुई है आपस में, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी। और उस बीच में ये कह देना कि 25 सीट तो मुझे मिलनी चाहिए, 25 सीटों पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जल्दबाजी भी है और प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, और इससे केवल मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की, बल्कि चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी हो, सभी की टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सरोज जी का। सरोज जी, क्या लगता है आपको, जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये आप लोग जो आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, मांझी जी का बयान, कोई मांझी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान नहीं दिया है। मांझी जी कल पार्टी का, परसों पार्टी का उनका अभिनंदन समारोह था, उनको मंत्री बनने के बाद बिहार में बिहार की पार्टी ने उनको अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। अभिनंदन समारोह के आयोजन में ये मीडिया के द्वारा किया गया क्वेश्चन है, मीडिया ने सवाल उठाए कि आने, बहुत सारे सवाल उठाए उसमें मीडिया के द्वारा, यह भी उठाया गया कि आने वाला चुनाव है एक साल डेढ़ साल में, तो आप उसमें आप अपनी पार्टी को किस स्थिति में देखना चाहते हैं, आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। कोई मांझी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बयान नहीं दिया कि हमको 25 सीट मिलना चाहिए, 100 सीट पर पार्टी कहा तो ना। सरोज जी आखिर कहा तो ना, राजनीति में वैसे भी कोई डायरेक्ट वे में कुछ नहीं कहते। नहीं तो 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 फिर तो फिर इसका ये कहना है, मेरा ये कहना है कि हम पार्टी जो है, पार्टी जब बनी थी तो बनी थी, उसके बाद पहला जो चुनाव हुआ था उसमें 25 सीट ऑलरेडी एनडीए अलायंस में हम पार्टी लड़ चुकी है ऑलरेडी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि 25 सीट तो हम ऑलरेडी एनडीए के अलायंस में हम चुनाव लड़ चुके हैं, तो 25 सीट तो हमारा बनता ही है, और बाकी तैयारी तो हमारा 100 सीट 75 सीट पर, तो पार्टी तो अपने ब्रॉड लेवल पर तैयारी करती ही है। लेकिन लेकिन जहां तक रही सवाल जो आज इस पर, जिस पर हम लोग आज वाद विवाद जो हम लोग कर रहे हैं, तो बात ही बात तो मीडिया के द्वारा, मीडिया का, हम लोग लड़ चुके हैं ऑलरेडी, हम पार्टी 25 सीट पर चुनाव लड़ चुकी है, तो कहां से कोई इसमें कहीं से कोई नई बात है कि नई बात आ गई है, इसके लिए नया संहिता कौतूहल बना दिया कि उसमें ये हो गया तो विधानसभा का चुनाव नहीं होने वाला है। तो ये बात जब भी होगा विधानसभा का चुनाव, तो हमारी ये मांगे जायज है, मांगे रहेगी, चाहे आपने, आपके द्वारा आया गया सवाल हो उसका जवाब हम लोगों ने दिया हो, हमारे संरक्षक महोदय कैबिनेट मंत्री ने हमारे पार्टी के तरफ से जो दिए हैं, तो जब आएगा तो उसकी बात होगी। चलिए ठीक है सरोज जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सौरभ जी का, उनके पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी,
जी बिल्कुल, सरोज जी से ही अपने सवालों का जो सिलसिला है वो हम शुरू करेंगे। सरोज जी ये बताइए, आपने कहा कि जीतन राम मांझी ने खुद नहीं कहा, उनसे मीडिया वाले ने सवाल किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे या मेरी तैयारी है, तो मुझे ये बताइए कि अगर मीडिया ने सवाल भी किया था तो चाहते तो जीतन राम मांझी सवाल को इग्नोर कर सकते। आपको नहीं लगता कि अगर आप सहयोगी दल है या सहयोगी पार्टी है किसी भी गठबंधन में तो ये काफी मतलब काफी अर्लियल हो जाता है ये कहना कि हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 25 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो जानबूझकर आप एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं चुनाव के पहले, जबकि अभी कोई बातचीत भी नहीं हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। आपका 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 देखिए सवाल जायज है, अभी इस तरीके से कोई बातें नहीं हुई है, लेकिन आपने जब अभी हमसे सवाल पूछा तो हमने तो उसका जवाब आपको देंगे ना। एनडीए के जब पहली बार हम पार्टी जब अच्छी मुख्यमंत्री के हटने के बाद सरोज जी जवाब ऐसे भी दिया जा सकता है कि जब चुनाव आएगा उस समय हम लोग आपस में बैठेंगे, मिल बैठ कर तय करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और हम लोग घुमा फिरा करके बात नहीं करने वाले हैं। हमारे जो मन में है, अगर आपके मन में है तभी तो आपके नेता दावा कर रहे हैं कि 25 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो संरक्षक महोदय हैं बेबाक जवाब देने वाले हैं, और उन्होंने चूंकि 25 सीट पर चुनाव एनडीए के साथ 25 सीट पर चुनाव वो लड़े हैं, पहली बार चुनाव 25 सीट पर एनडीए के साथ वो लड़े, तो उन्होंने बताया कि 25 सीट पर हम चुनाव लड़े हैं, तैयारी हमारी 25 सीट पर है, 25 सीट पर हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार आपके साथ थे उस समय? नीतीश कुमार आपके साथ थे? जैसे नीतीश कुमार की बात अभी कहाँ हो रही है, फिर वही बात वही फिर सवाल आ जाएगी। नहीं नहीं, अब परिस्थिति बदल गई है ना, अब गठबंधन का स्वरूप बदल गया है। उससे क्या हमारी पार्टी का जो हैसियत है, हमारी पार्टी की जो ताकत है, हमारी पार्टी की जो कैपेसिटी है, हमारी पार्टी के जिस तरीके से मजबूती है, वो मजबूती पहले घट गई है, वो घट गई है। और अगर नीतीश कुमार बड़ी है, सरोज जी आपको भी पता है कि गठबंधन का एक स्वरूप होता है, ये तय किया जाता है, ये देखा जाता है कि गठबंधन में कितने दल है, और अगर कोई बड़ा दल आपके आपके गठबंधन में आ जाता है तो निश्चित रूप से हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप चेंज हो जाता है, जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। आपको भी पता है कि अगर 2019 में नीतीश कुमार नहीं होते तो शायद आपकी पार्टी 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ती, लेकिन नीतीश कुमार आ गए, आपको 1 सीट मिला। नहीं नहीं ठीक, ओ बातें जो बीत गई इस पर नहीं, ये बातें हम लोग उस पर कह रहे हैं कि अभी तो आपका आपने तो बात बताई कि भाई अभी 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 विधानसभा की तैयारी नहीं है, विधानसभा के चुनाव की भी कोई बात नहीं है अभी तो, लेकिन हमारी पार्टी की हैसियत करना चाहते थे नीतीश कुमार, आपकी पार्टी को खत्म करना चाहते थे। ये तो आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने ये जवाब बताया उन्होंने कि उनके तरफ से बीच में कई एक बार प्रस्ताव आई थी। देखिए उन्होंने उनको तो ये लगा होगा कि ये हो सकता है पार्टी चलाने में सक्षम नहीं होंगे या क्या अंदर की बात होगी, उस पर हमें नहीं जाना। उन्होंने अब वो बात जब आई तो इधर से बात आई ना कि भाई हमारी पार्टी जैसे है हमारी पार्टी वैसे रहेगी, तो फिर अलग पार्टी अलग हटी, पार्टी तो अलग हटी, उसके बाद एनडीए के साथ गई। लेकिन अब आप साथ में हैं, सहयोगी पार्टी हैं एक दूसरे का, और उसके बाद इन सब बातों का जिक्र करने का मतलब क्या है? मन में अभी भी शिकायत है नीतीश कुमार को लेकर, जो रहरा के और जो टीस है वो बाहर निकलता है। देखिए जो बातें हैं वो बातें तो किसी से छिपी हुई है नहीं, और कोई बातें किसी को छुपा, ये बातें तो बराबर बात बोलते आ रहे हैं ना जीतन राम मांझी जी, ये अपनी बात तो बराबर रखते आए हैं, कोई पहली बात तो रखते आए नहीं है। तो इसमें नीतीश और नीतीश कुमार से हमारी नाराजगी की बात नहीं है पार्टी की, नीतीश कुमार जी गठबंधन के सहयोगी हैं, सबसे बड़े सहयोगी इधर है, और है तो उसमें अपनी पार्टी, हमारी पार्टी जो है, हम पार्टी तो अपनी बात रखेगी ना, कि हम अगर आप सवाल दागेंगे, आप अभी सवाल पूछ रहे हैं तो हम तो उसका जवाब देंगे। आपने अपनी बात सवाल रखी, ऑलरेडी ये पहले से कह चुके हैं कि 25 सीट पर चुनाव पहले हम लड़ चुके हैं, तो आज हमारी हैसियत पहले तो न मंत्री केंद्रीय मंत्री थे न बिहार मंत्री थे,
मुख्यमंत्री से हटे थे तो उस समय 25 सीट पर रहे थे। आज हमारी पार्टी की हैसियत बढ़ी है, दो डबल डिजिट में है। बिहार में भी हमारी पार्टी 4 विधायक की पार्टी है और एक मंत्री हमारे 3 डिपार्टमेंट का मंत्री है और देश में हमारे मंत्री है। तो पहले से हमारी जब पार्टी की सहभागिता बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, तो हम तो पहले वाले स्थिति पर तो कम से कम हम तो रहे, उससे हम पीछे कहां से हटेंगे। यही बात तो मांझी जी बोले हैं, दूसरी बात तो बोले कुछ नहीं है। तो 25 सीट फाइनल है ना कि 25 सीटों पर ही लड़ेंगे चुनाव? देखिए, हमारी जो सीट जो मांझी जी जो बोले हैं कि पिछली बार हम लोग जो सीट लड़े थे वो हमको लड़ना चाहिए, हम उस पर सीट पर लड़ेंगे। तो आगे तो बाकी पार्टियां हैं सर, जो पहली बार जब मांझी जी एनडीए में पहली बार थे मुख्यमंत्री हटने के बाद, पहली बार जब पार्टी एनडीए के साथ जब चुनाव, ये लगता है 15-15 के आसपास में जब मांझी जी मुख्यमंत्री से हटे थे, तब जो पहला चुनाव। हाँ, तो 15 में बीजेपी के साथ आप थे लेकिन नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे। ये तय करना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस बैठ करके तय करेंगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी और कौन कितने सीटों पे लड़ेगी। ये हमारी मांग है जो पहले से जो हम 2020 में 2020 में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे विधानसभा में? 2020 में नीतीश कुमार जी के साथ में थे, उस समय उसमें नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग थे। नीतीश कुमार जी ने उनको 7 सीट दिया था और 7 सीट में 4 सीट जीतने का काम किया था। तो कैसे आप दावा कर रहे हैं 25 सीट का सरोज जी? क्योंकि स्वरूप तो वही है गठबंधन का ना। नहीं, स्वरूप तो 15 को आप 15 का हवाला क्यों दे रहे हैं? आप 20 का हवाला क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए 20 में नीतीश कुमार जी के साथ गए थे और 15 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। आप एनडीए के साथ थे, एनडीए के घटक दल थे, एनडीए के सहयोगी थे, आप नीतीश कुमार के सहयोगी नहीं थे, आप एनडीए में थे, एनडीए ने चुनाव लड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं दर्शकों के साथ? कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, जो मांग है वो मांग हम लोग का जारी है। तो आप लोगों को ऑफर दिया था, उसको ठुकरा दिए आप लोग। बिल्कुल, तो वो मंजूर नहीं था ना। नीतीश कुमार जी ने जो ऑफर दिया उस ऑफर नहीं, पार्टी अगर खत्म करना चाहते तो पार्टी तो भी है ना, वो टीस अभी भी है ना, वो निकलती है ना। सौरव भाई, जब बात निकलती है, जब सवाल आते हैं तो सवाल की जानकारी है ना। मैं जी ये बताइए, कैसा गठबंधन है? सब लोग साथ में भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, एक साथ है, एकजुट है। देखिए सौरभ भैया, आपस में जब 2-4 दल होते हैं, जिसको कहा जाता है ना घर में 2-3 बर्तन होते हैं तो आवाजें होती हैं, वो एक कहिए स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और स्वाभाविक सा स्वभाव है। अब रही बात जो सरोज भाई जो बात कर रहे हैं, तो 2020 के परिपेक्ष से भी अभी एनडीए आगे निकल चुका है। 2020 में हमारे जो मांग है 25 सीटों का जो मांग है वो सही है, मैं उसी पे आता हूँ सर भैया। तो पहले 2020 में हमारे साथ चिराग पासवान जी नहीं थे, हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे, तो अभी नए अलाइज जो है वो अभी एनडीए में आए हैं। तो जैसा अभी आपने भी बात कही, वो कहा 15 का चुनाव हो, 20 का चुनाव और 25 का चुनाव है, इन तीनों चुनाव में समीकरण जो है वो अलग अलग होंगे और सीट शेयर का फॉर्मूला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में बात करके नहीं होगा, वो एनडीए समन्वय समिति जब बैठेगी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। अमूमन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो देखा गया है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि इतने बड़े नेता है जीतन राम मांझी, उन्होंने मीडिया के सामने 25 सीटों की मांग क्यों रखी इतने पहले? उसमें देखिए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, वो कोई आधिकारिक एनडीए का सम्मेलन नहीं था। कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए उन्होंने कहा, जो उनका स्वाभाविक दायित्व तो बनता है अपने कार्यकर्ताओं नहीं हो सकता। आपको भी पता है 25 सीट की जो मांग है वो पूरी नहीं हो सकती है। सौरभ भैया अमूमन जो सीटिंग गेटिंग गो वाला फॉर्मूला जो है उस पर कार्यरत सारे कई दल होते हैं उस पर करते हैं, तो जो अभी जो वर्तमान जिन सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़े थे विगत चुनावों पे, उनको लेकर आगे परिचर्चा होगी, आगे लेकर के बातचीत होगी। और अभी 25 के चुनाव को लेकर के अभी बहुत समय बाकी है और समन्वय समिति उस पर विचार करेगी समय आने पर। सरोज जी, सुना आपने जवाब, मांग जो है वो बिल्कुल अनुचित है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं मौबौली जी, कैसे कह सकते हैं कि हमारी मांग उचित है और अनुचित है?
हम फैसला लेने वाले कौन होते हैं? मौलवी जी कैसे बोल सकते हैं ये बात? तो मौलवी जी वो बात कहाँ बोले हैं? ये तो आप बोल रहे हैं, मौलवी जी इस बात को नहीं बोले। मौलवी जी ने साफ साफ मौलवी जी बोले हैं कि आने वाला दिन में जब बैठकी होगी, बातें होगी, तो सारे बड़े घटक हैं, सब लोग बैठ करके फैसला लेंगे। आज विधानसभा के चुनाव तो हो नहीं रहा है, तो ये आप बता रहे हैं, हमारा भी वही कहना है। सरोज जी आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जीतन राम मांझी ने 25 सीटों का जुमला जो है वो फेंक दिया कार्यकर्ताओं के साथ। नहीं नहीं नहीं, ये जुमले की बात कहाँ है? जुमले जुमले की बात नहीं है वो, आप क्या बोल रहे हैं? जुमले के लिए 25 सीटों की बात कर दी गलत, उन्होंने मांग कर नहीं, 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 ये मांग ऑलरेडी उन्होंने इसलिए बोला है कि 24-25 सीट पर हम ऑलरेडी एनडीए के घटक में हम लड़ चुके हैं चुनाव, तो पहले से पार्टी हमारी बड़ी है तो हम उससे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे ना, तो 25 सीट का हमारा मांग ऑलरेडी जायज है। 75 सीट तैयारी हमारी 75 से 100 सीट पर है, जहां जहां हम मजबूत रहेंगे वहां वहां हम एनडीए के अलायंस को हम सपोर्ट करेंगे, या जहां जहां हम कमजोर रहेंगे या हमारी पार्टी जब मजबूत रहेगी तब ना हम किसी और को सपोर्ट करेंगे। हम अलायंस में है ना, सारे सारे घटक दल के लोग है, कहीं हम मजबूत है तो उनको करेंगे, वो हम मजबूत है तो हमको करेंगे। तो ऐसा थोड़े है कि हम हमारी तैयारी लगभग 100 सीट पर है और 25 सीट हमारी मांग जो है वो जायज है, और 25 सीट पर ऑलरेडी चुनाव लड़ चुकी है पार्टी, इसलिए हमारे आदरणीय मांझी जी जीतनराम मांझी जी ने जो बात बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं, और आने वाला दिन जब भी बैठेगी, जब भी बातें आएगी तो ये बात रखा जाएगी। बाकी कोई फैसला तो हो नहीं रहा है, जब आगे सारे लोग बैठेंगे उसके बाद जो फैसला होगा उसका निर्णय लिया जाए, क्या होता है निर्णय। चलिए प्रमोद जी, क्या हो रहा है एनडीए में? खटपट तो अभी से शुरू हो गया चुनाव में, तो मुझे लगता है एक साल से ज्यादा का वक्त है। देखिए सौरभ जी, अभी डिबेट में ही अभी सरोज सिंह जी का और मयंक मौली जी का जो बयान आया उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। सरोज सिंह जी ने कहा कि 2020 के चुनाव में हम 7 सीटों पर लड़े और 4 सीट हम जीतने का काम। उस पर देखिए मयंक मौली जी का है कि इस बार जो है 2025 में, उस समय चिराग पासवान जी हमारे हम लोगों के साथ एनडीए में नहीं थे और उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं, इनको 2020 में 20 में जब 7 सीटें मिली तो मयंक मौली जी के हिसाब से तो लग रहा है कि दो नए दल इस गठबंधन में आ गए हैं, तो 7 सीट भी संभव नहीं है जिस प्रकार से मयंक मौली जी बोल रहे हैं। ये इन दोनों का अभी जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ उसका तो भाव यही लगता है। और देखिए जो मांझी जी का जो बयान आ रहा है, ये बयान जो है अनायास नहीं है, ये जो है उनके भीतर जो लगातार जो पीड़ा रही है गठबंधन में, उनके जो एनडीए के जो गठबंधन है, और जिस प्रकार से वो उन्होंने बातें कही कि मर्जर की बात कहा जा रहा था कि आप मर्ज कर जाइए, और उस समय के हिसाब से हमने जो फैसला लिया वो फैसला मेरा अब सही है, क्योंकि अब जो है से वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं तो एनडीए में किसी ना किसी रूप में एक दूसरे को दबाने का जो सिलसिला है वो चालू है, ये इन सब बयानों से खुल करके जो है सामने आता है। तो आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी जब चुनाव हार गए थे तो उनका भी बयान आप देख लीजिए, उस बयान को भी जब आप विश्लेषण करिएगा तो यही पाइएगा कि कहीं ना कहीं उनको कमजोर करने का प्रयास किया गया। तो ये सारी बातें तो हैं ही, और यहाँ पर दोनों जो प्रवक्ता हैं तो दोनों प्रवक्ता के बयान ही विरोधाभासी हैं। और देखिए ये हालांकि ये इन सब का अपना एनडीए के अंदर का ये मामला है, और रहा सवाल जैसे जीतन राम मांझी जी का, तो वो अपना चाह रहे हैं कि ज्यादा सीटों पर लड़े, तो ये इन सब चीजों का। लेकिन मयंक मौली जी जिस प्रकार से बातों को घुमा करके स्पष्ट करने का काम किया कि 2020 में सरोज जी बोले कि हम 7 सीट पर लड़े और मयंक मौली जी बोले कि उस समय चिराग पासवान और ये उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं थे, तो और गुंजाइश कहीं ना कहीं उनके हिसाब से कम गई है सीटों की। सौरभ जी जी बिल्कुल, मयंक जी जी आप लगातार सुन रहे हैं सरोज जी का, वो तो कह रहे हैं कि 25 सीटों की जो मांग है ना वो बिल्कुल जाएगी, हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, कारण पहले से हमारी पार्टी जो है ना वो काफी ज्यादा मजबूत। मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए? इतना बड़ा एनडीए गठबंधन है और कई जो दल है वो साथ में है, तो जब भी कोई फैसला होगा मुझे लगता है गठबंधन का स्वरूप देखने के बाद ही होगा,
अगर जीतन राम मांझी 75 सीटों की मांग करेंगे या सॉरी 25 सीटों की मांग करेंगे तो मुझे लगता है कि बाकियों का क्या होगा फिर, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या खुद आपकी पार्टी बीजेपी। जी सबसे पहले मैं प्रमोद भाई के बात का जवाब दे दूं। मैं जीतन राम मांझी जी के 2-4 बयानों को लेकर के बड़ा उनके कहिए मारमहत है। तो उन्होंने तो कल एक और बयान ये भी दिया था कि जब जंगल राज के दौर में कथित तौर पे जब जो अपहरण का जो उद्योग चलता था उसकी पकड़ जो है वो हमेशा मुख्यमंत्री कार्यालय एक अड़े मार्ग से जहां लालू परिवार रहा करता था वहां से बरामद होती थी। एक 10 लाख के डील का एक डॉक्टर के अपहरण का जिक्र किया जो 5 लाख में वो डील ओके हुआ था, उस बाबत भी जरा कुछ बयान दे दीजिएगा। बहरहाल मुद्दे पे लौटते हैं तो मुद्दा यह है, जैसा इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपने भी कहा कि एनडीए का स्वरूप व्यापक तौर पर बढ़ रहा है, जैसा कि हमने चाहे 2020 का बात हो या अभी कहिए 2024 के चुनाव में भी हम लोग आगे बढ़े। अब 2025 अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महागठबंधन बनाम अगर एनडीए की बात करें तो हमारा स्वरूप जो है वो बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा, उसमें कोई कहिए किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब रही बात सीट शेयरिंग को लेकर के जो प्रमोद भाई कह रहे हैं, तो ना मयंक मौलिक की और ना ही सरोज जी की और ना ही प्रमोद जी की, हम तीनों पार्टी के प्रवक्ता, हम तीनों की ये राजनीतिक हैसियत नहीं है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किसी डिबेट में आकर के हम लोग अपने नाम पे तय कर सकें। ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम होता है और जब एनडीए के सारे शीर्ष दल के नेता शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा वो इस पे विचार कर सकता है, वो इस पे अधिकृत है। इन चीजों को लेकर के मांग है, जायज है, कितनी नहीं जायज है और कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कई लोकल जो फैक्टर्स क्या होंगे, उन सब का फैसला जो है समय आने पे चुनाव के ठीक पहले हो जाएगा। लेकिन मैं जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस चर्चा में ये मतलब फाइनल नहीं होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा जी, और ना ही तय होगा। ये तय तभी होगा जब सभी जो सहयोगी पार्टी हैं उनके नेता जो हैं वो एक साथ बैठेंगे जी। ये सबको पता है, ये जीतन राम मांझी को भी पता है, लेकिन इस बयान का फिर मतलब क्या है? क्यों? या तो आप लोगों की टेंशन जीतन राम मांझी बढ़ाना चाहते हैं 25 सीटों की मांग करके, आपको भी पता है कि वो छोटे नेता नहीं है, काफी लंबा एक्सपीरियंस है उनको राजनीति। देखिए थोड़े भैया, राजनीतिक दल होने के नाते और किसी राजनीतिक दल के संस्थापक और मुखिया होने के नाते उनका बिल्कुल कहिए कि राइट बनता है कि अपनी सीटों को लेके अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेके बातें करें, जो उन्होंने की। जैसा मैंने कहा कि वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, उन्होंने उस पर बातें की, लेकिन जो कहिए कि थॉटफुल प्रोसेस को एक्चुअल ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कराना, उसी बाबत उसी कहिए तरीके से, ये राजनीति में हमेशा 2-2-4 नहीं होता है, कुछ चीजों पर कुछ ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ चीजें किसी को ज्यादा आगे मिल जाती हैं, तो जब समय आएगा उस हिसाब से उस पर बैठक होगी। अभी ये बहुत प्री मेच्योर डिसीजन और प्री मेच्योर मांग है, अभी डेढ़ लगभग 1.25 साल पहले कि हम अमुक सीटों पर लड़ेंगे, अमुक सीटों पर लड़ेंगे, लगभग सारे राजनीतिक, जैसा उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 100 सीटों पे चुनाव 75 से 100 का मादा रखती है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर एक हमारा सहयोगी दल अगर 100 सीटों पे उसका कैडर मजबूत होता है तो अंततोगत्वा ये एनडीए की मजबूती को स्थापित करता है। जो एनडीए कहिए कि अलग अलग दलों का एक गठबंधन है जिसमें कि सब अपने अपने कहिए कि दल के अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा है, तो अगर सारे एनडीए के लोग का जो पार्टियां जो है हमारी अगर उनका कैडर मजबूत होता है तो अंततोगत्वा एनडीए मजबूत होता है, इसमें परेशानी की तो कोई बात है नहीं। रही बात एंड रिजल्ट पे किन सीटों पे क्या चुनाव लड़े जाएंगे वो तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, उस पर मेरा और इसमें बैठे किसी भी आदमी का कमेंट करना ठीक नहीं है जी। सरोज जी आपको ये नहीं लगता है कि ये जो मांग है आपके नेता की ये काफी प्री मेच्योर मांग है? नहीं नहीं कोई प्री मेच्योर मांग नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये घटित हो चुका है, ये 25 सीट पे ये ऑलरेडी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है जब पार्टी का कोई विधायक नहीं था, जब पार्टी का कोई मिनिस्टर नहीं था, 2015 और 2025 में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, आपको ऐसा लगता है? 15 और 25 में फर्क क्या है? 25 में फर्क क्या है? नीतीश जी की पार्टी जब एनडीए अलायंस में थी उस समय नीतीश जी की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, उस समय ज्यादा सीट था, आज नीतीश जी के पास 45 सीट है, मैं इस पर कुछ कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ, 45 सीट है आज हमारी पार्टी के 4 एमएलए हैं,
उस समय हमारी पार्टी के साथ एक एमएलए नहीं था, उस समय हमारी पार्टी के साथ कोई एमपी नहीं था, ना कोई केंद्र मंत्री था, ना कोई बिहार मंत्री था। तो ये कहां से प्री मैच्योर्ड है और कहां से ये गलत है, जरा आप हमको बता दीजिए, आप ही के बाद बता दीजिए, आप ही हमको बता दीजिए। अगर पहले अगर, से ज्यादा हमारी पार्टी मजबूत हुई कि नहीं हुई, अगर 25 सीटें नहीं मिली सरोजी, सरोजी अगर 25 सीटें नहीं मिली गठबंधन छोड़ देंगे? ये डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? आज ये डिस्कशन, ये टीवी डिबेट पे बैठ करके ये डिसाइड नहीं हो जाएगा कि हम हट जाएंगे, छोड़ देंगे। और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? पार्टी के जो संरक्षक है, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपनी बातें रखे हैं। कल क्या डिस्कशन होगा? कल सारे पार्टी एनडीए अलायंस पे बैठेगा, तो ये नहीं है कि एनडीए में कोई लड़ाई हो गया इस बातों से, अब दो सीट कम गया, चार दो सीट कम गया। सरोजी अपने हिसाब से मुझे ये भी बता दीजिए कि विधानसभा की कुल सीटें जो है वो 243 है जी, तो जदयू और बीजेपी को किया आपके हिसाब से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? 25 आपका हमने मान लिया, 25 हमने आपका मान लिया, उन लोगों का भी थोड़ा गणित सेट कर दीजिए। ये सौरव भाई, ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते हैं, ये डिसाइड हम कैसे कर रहे हैं कि बीजेपी कितनी सीट पर लड़ेगी? बीजेपी हम अपनी बात, सौरव भाई हम अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में आपने बोला कि उनकी 45 सीट है, तो उसी हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, उसी हिसाब से नहीं, उस समय उनको कितना सीट था, आज 45 सीट है, तो आज बीजेपी के पास उस समय कितना सीट था, आज उनके पास 76-80 सीट है। तो मेरा ये कहना है कि सिचुएशन के हिसाब से सबकी पार्टी की अपना अपना अहमियत बदला है। तो कल ये डिसाइड आज हम लोग डिबेट में बैठ करके नहीं कर सकते हैं कि दो सीट कम हो जाएगा तो हम पीछे हट जाएंगे। और हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? हम तो एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी की बात आपके फोरम पे हम रख रहे हैं। ये एनडीए के, एनडीए बहुत बड़ा घटक है और इसमें कई एक अलायंस है बिहार के प्रत्यक्ष में, तो सारे लोग बैठेंगे और इसमें निर्णय लेंगे कि किसकी कितनी हैसियत है, कौन कहां मजबूत है, कौन कहां कमजोर है। सरोजी ये भी बता दीजिए ना कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो तो एनडीए से रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? ये गलत होगा। चलिए ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि ये अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन अगर 25 सीटें आपको नहीं मिलती है तो आपके पार्टी के साथ गलत होगा? नहीं नहीं, ये तो जब क्या होगा पहले, अभी अभी कैसे क्या बोल दिया जाए, अभी तो कुछ अगर नहीं मिले, अगर नहीं, मुझे पता है आप इस सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा कि आप गठबंधन से अलग हो जाएंगे अगर नहीं मिली तो, लेकिन इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि अगर 25 सीटें नहीं मिली तो आपकी पार्टी के साथ गलत होगा ना, अन्याय तो होगा ना? सौरव भाई, ये भारतीय जनता पार्टी इस अलायंस के सबसे बड़ा घटक है और उसके उसका उसका यहाँ भी बड़ा घटक है, वहां भी बड़ा घटक है। ये उसको तय करना है कि किसको कहाँ पर, किसको कैसे, किस सीटों पर, कितने सीटों पर एडजस्ट करना है, ये जिम्मेदारी उनकी है। तो हमें अपनी बात रख दी और अब इसके पहले और ये घट चुका है, तो अब आप तो हम लोग सब लोग पार्टियां बैठेगी, इतनी ज्यादा सीटों की डिमांड आपने क्यों रख दी जो पूरा ही नहीं हो सकता है? ये ज्यादा डिमांड, ये आप कैसे कह सकते हैं कि पूरा नहीं हो सकता है? आप नहीं कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप कैसे, मुझे पता है आपकी पार्टी को 25 सीटें कभी नहीं मिलेगी। अब आने दीजिए सौरभ भाई, जब समय जो आएगा, जो डिसीजन होगा, उस समय जो बातें आएगी उस समय देखा जाएगा क्या बात होती है। अभी इतना मैं, हम लोग ईमानदारी से और इसके और राष्ट्रीय जनता दल को, ठीक है, राष्ट्रीय एक सेकंड और राष्ट्रीय जनता दल को ये फेर बेच नहीं रहे कि सिक्का इनके भागे टूक जाएगा बिल्ली घर के, इनको ये लोग ये गलत फहमी नहीं रहे। और तो मांझी जी जो बात बोले, मौली जी तो ये बात बोले हैं, उस पर क्यों नहीं है जवाब देते हैं कि सीएम हाउस में क्या अपहरण का फैसला होता था? हर बात मांझी जी के पकड़ के जवाब दे रहे हैं। मैं जी मिलेगी मांझी जी को 25 सीट इस बार विधानसभा चुनाव में? मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको लगता है, आपके पास भी पॉलिटिक्स का एक लंबा अनुभव है, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली संभव है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को इस बार 25 सीटें गठबंधन में उनके खाते में आएगी? मैंने सर आपको पहले भी कहा कि राजनीति में पिछले चुनाव से देखा जाता है कि सीटिंग गेटिंग गो वाले फॉर्मूले पे अमूमन काम किया जाता है। पिछले चुनाव में लास्ट कही जो इनका जो चुनाव था 2020 में जो एनडीए का, उस हिसाब से उस हिसाब से 2025 में जो दावा है या दावे के जो हकीकत या कहिए जो ग्राउंड रियलिटी जो होगी
उसको लेकर के समय पे सारे दल बैठेंगे, उस पर विचार कर लिया जाएगा। अमूमन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सीटिंग गेटिंग गो वाला ही होता है, जैसा सौरभ भाई आप भी जानते हैं, उसी पे उसी सरोजी फॉर्मूला समझ गए आप? मौली जी की बातों को हम लोग को यहाँ कट और पेस्ट करने के लिए हम लोग नहीं इस पर बैठे हुए। मौली जी, मौली जी और हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि हमारा सेटिंग 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 वाला चुनाव हुआ था, 2020 का जो चुनाव हुआ था उसके आधार पर तय हुआ होगा इस बार भी? आप सात सीटों पर चुनाव लड़े थे, ये कैसे कैसे डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं कि सात सीट पर हम लड़े थे, सात सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार उस समय कितने सीटों पर चुनाव लड़े थे, बीजेपी उस समय कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी, ये हम लोग अभी बैठ के कैसे डिसीजन ले सकते हैं? मौली जी कौन सा आधिकारिक रूप से बोल रहे हैं, किस किसके भी आपके अधिकारिक रूप में बोल रहे हैं कि सात सीट पर बनी थी और सात सीट पर चुनाव लड़ेगा ये हम पार्टी? किस बेस पर बोल रहे हैं कि सात सीट पर चुनाव लड़ी थी, पिछली बार सात सीट पर चुनाव लड़ी थी उसमें एक विधायक नहीं था पार्टी का? नहीं, वो फॉर्मूला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फॉर्मूला समझाने की जो प्रैक्टिकली संभव है ना, ये जो ये जो फॉर्मूला है ये कोई आधिकारिक और कोई उनका कोई डिसीजन मेकर नहीं है कि जो बता दिया कि फॉर्मूला की हमारे पार्टी के लिए लागू हो जाएगा। ये कोई फॉर्मूला ही जायज फॉर्मूला उचित फॉर्मूला नहीं है जो बता रहे हैं। अधिकारिक रूप से वो कैसे बोल सकते हैं इस बात को? हम अधिकारिक रूप से कैसे बोल सकते हैं कि हम सात सीट पर लड़े थे, हम 25 सीट पर लड़े थे, हम 25 सीट पर नहीं लड़ेंगे तो पार्टी को तोड़, पार्टी चुनाव से हट जाएगी एनडीए से, ये कैसे हम कह सकते हैं? हम किस हमारी कहां से राइट है ये? ये हमारी राइट थोड़े है, इनकी राइट ही थोड़े है कि ये बोल सकते हैं कि सात सीट पर चुनाव सीटिंग टिक पर था तो सात सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये राइट नहीं है, इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए। पिछले बार कितने चुनाव कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी? इस तरीके से हम लोग करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम लोग करने के लिए बैठे हुए कि आज कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, हमारी अपनी हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं, हम अपनी पार्टी के पक्ष रखने के लिए आए हैं, हम कोई डिसीजन देने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। आगे पार्टी की बड़ी पार्टी है, बड़े घटक है, आगे डिसाइड होगा, आगे जब सारे पार्टी अलायंस पर बैठेंगे तो डिसाइड करेंगे कि कल क्या होगा, किसको कितनी औकात है, कल कितनी सीटों पर लड़ेगी, कल कौन कितने सीटों पर नहीं लड़ेगी। ठीक है सरोज जी, ठीक है, समय की कमी है, आखिरी कमेंट प्रमोद जी से लेना चाहूंगी। देखिए अभी दोनों प्रवक्ता बोले कि मांझी जी के अन्य बयान भी आए हैं, तो उस पर भी सौरभ जी ने जिन विषय को आज लाने का काम किया हम उसी विषय पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जहां तक अभी आप देखिए सौरभ जी, मयंक मौली जी ने तो ये भी स्पष्ट कर दिया ना कि दो नए दल एनडीए में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा मयंक मौली जी हकीकत बता रहे हैं, जो सच्चाई है गठबंधन की वो रख रहे हैं वो सामने, ये सच्चाई जीतन राम मांझी भूल गए हैं, उनकी पार्टी भूल गई है। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि सात सीट पर 2020 में लड़े हैं, और मयंक मौली जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सीटिंग गेटिंग वो उसमें दो नए दल का जुटान हुआ है तो उनको भी सीटें मिलेगी, तो कहीं ना कहीं तो वो अब ये भी बतलाने का मयंक मौली जी काम कर रहे हैं कि वो सात सीटें भी मिले तो बेहतर है, अच्छा होगा, जिस प्रकार से बयान उनका आ रहा है। चलिए सरोज जी अंतिम कमेंट बता दीजिए, सब चीज स्पष्ट हो चुका है? कोई स्पष्ट नहीं हुआ है, कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है, हम लोग अपनी बात रखने के लिए आए हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग को डिसीजन फैक्टर नहीं कि हम लोग डिसीजन दे दिए कि सात सीट पर बोल दिया हमारी पार्टी सात सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई, और हमारी पार्टी कह दी कह दिए कि चार को विधायक है चार सीट पर, ये इस तरीके से सभी दर्शक सुन रहे, आप ये भी बता दीजिए ना, अगर 25 सीट नहीं मिली तो आगे ये फैसला लेने, ये 25 सीट नहीं मिली तो ये फैसला लेने का अधिकार हमारा नहीं है, 25 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक नेता के हैसियत से बता दीजिए, आप एक नेता और एक कार्यकर्ता के हैसियत से बता दीजिए। सौरव भाई, पार्टी के हम प्रवक्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री संरक्षक जी ने जो कहा है वो एक्चुअल फैक्ट कहा है, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है कि हमारी हैसियत बड़ी है, हम दोनों जगह पे सरकार में है, जब हम मंत्री और विधायक नहीं थे तब हमारी पार्टी 25 सीट पे एनडीए अलायंस लड़ी थी, और आज हमारी हैसियत बड़ी है,
तो आज हम 25 सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है और 75 सीट पर जितवाने की हैसियत में है। आज हम एक सीट लड़े गया लड़े और गया गया एक सीट मिली आपको सरोज जी, वही सरोज जी लोकसभा एक सीट मिली आपको, हैसियत कैसे बढ़ी? सौरव भाई एक सीट पर चुनाव हम लड़े और हम 40 सीट पर उसका इफेक्ट दिए। हम एक सीट हम लड़े, 40 सीट पर हमारी संगठन हमारे कार्यकर्ता 40 सीट पर बढ़ चढ़ करके हमारे कार्यकर्ता सारे सीटों पर हम लोग को काम करिए एनडीए के अलायंस को जिताने में। ये फैसला तो ये कहना नहीं, वो ठीक है हमने स्वीकार किया उसको, एनडीए हम लोग का दिल तो बड़ा है, उसमें भी पार्टी जरूर छोटा है लेकिन हम लोग का दिल बड़ा। 243 सीटों पर आपके कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहेंगे। जब ये सौरभ भाई इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारी आधिकारिक रूप से इस पर हमारा कोई कहना राइट नहीं है। और मौली जी बोल रहे हैं वो किस उनको किसने राइट दिया है ये चीज बोलने का, वो बताएंगे। वो हमको ये राइट नहीं है कि हम पार्टी से हट जाएंगे, ये हमारी नहीं है। हम अपनी बात रखने के लिए हम आए हैं, ये पार्टी के बड़े लोग फैसला लेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं जी आप ही के मतलब बयान के बाद इस चर्चा को हम लोग खत्म करेंगे। बता दीजिए किसने अधिकार दिया, सब कैसे आप कह रहे हैं कि वो 25 सीटों पर नहीं लड़ेंगे? मैंने किसी भी आंकड़े को जाहिर नहीं किया, मैंने सिर्फ एक शब्द बोला कि विगत लास्ट चुनाव से इस चुनाव के बीच में सिटिंग गेटिंग गो वाले फॉर्मूले पे बात होगी। ना मैंने 7 सीटों पे कोई बयान दिया है, ना 25 पे दिया है। तो ज्यादा व्याकुल भारत होकर के अति उत्साह में कहिए कोई भी बयान देने से बचना चाहिए, सबसे पहली बात। और रही बात जो बाकी कह रहे हैं कि अगर तो मेरे एनडीए में जो व्यक्ति लाके 5 पे 5 सीटों पर लड़के 5 का 5 सांसद लेके जाता है, क्या मैं उसको भूल जाऊं? क्या आपका भी उतना ही सम्मान है? तो उस व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान है और बाकी जितने और अंदर आएंगे उनका भी उतना ही सम्मान होगा। तो कभी लार्जर पिक्चर के लिए, लार्जर गोल के लिए कभी कभी पर्सनल एजेंडा की कुर्बानी देनी पड़ती है, और चाहे हम दें या कोई और दे, समय आएगा। समय अभी नहीं है, चुनाव में 1.25 साल के लगभग समय बाकी है। जैसा मैं शुरू से मेरी लाइन वही है, जब चुनाव नजदीक आएगा एनडीए के सारे घटक दल बैठेंगे, सारे शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा, उस पर जो भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला लोकल फैक्टर्स कैडर और बाकी चीजों को देख के जो डिसाइड होगा वही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिरी होगा, ना उसको मैं तय कर सकता हूं, सरोज जी ना बोलना चाहेंगे, समय की कमी है। नहीं नहीं, कोई ये व्याकुल भारत उनका गलत शब्द बोल रहे हैं, वो गलत बयान दे रहे हैं, तब मैं व्याकुल भारत क्यों बोलेंगे? वो हम अपने हमने तो कुछ उनके बारे में कोई विषय पर उनको हमको तो हमने तो उनको उनके बारे में बोला नहीं, इसीलिए आपको बोला जा रहा है व्याकुलता। नहीं, कोई व्याकुलता नहीं है। वो हमको हम ये पूछना चाहते हैं कि वो किस राइट से बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पार्टी 25 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, उनको किसने अधिकार दिया है ये बात बोलने का? मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर अगर हमारा अगर हमारा अगर हमारा ये नहीं कहा कि आप नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपकी सीटें 25 से मतलब आपकी पार्टी जो है 25 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि 2020 में जो फॉर्मूला तय हुआ था, इस बार भी अब चूंकि दो और सहयोगी पार्टी ने एंट्री ली है, तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि उस फॉर्मूले के अलावा किसी को सीटें मिलेगी। ये सौरव भाई क्या हो, ये सौरव भाई क्या होगा? ठीक है, लेकिन हम डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं? जब एनडीए के घटक बैठेंगे तो क्या निर्णय लेंगे? व्याकुल भारत बनने की जरूरत क्या है सरोज जी? व्याकुल भारत बनने की जरूरत क्या है? आप लोग जब पूछे हैं उसका जवाब दिया गया है। आपके सहयोगी पार्टी बोल रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी बोल रहे हैं व्याकुल भारत मत बनिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सहयोगी पार्टी किस हैसियत से बोल रहे हैं? ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनको किसने दिया अधिकार बयान देने का कि 25 सीट नहीं मिलेगा, 25 सीटों को नहीं मिलेगा, 7 सीट नहीं मिलेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने देखा निश्चित रूप से जीतन राम मांझी का ये जो बयान है, ये एक प्रेशर है जो वो बिल्ड करना चाहते हैं अपने बाकी सहयोगी पार्टियों पर। और निश्चित रूप से ये केवल चिंता की विषय नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये बीजेपी के लिए भी है, ये चिराग पासवान के लिए भी है, ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी। कारण मुझे नहीं लगता कि इसकी अभी कोई जरूरत थी, लेकिन इतने बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने अगर ये बयान दिया है तो सोच समझ के दिया है। तो इसके पीछे मुझे जो कारण समझ में आता है कि चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बातचीत हो, उसके पहले जीतन राम मांझी एक प्रेशर बनाना चाहते हैं और सभी लोगों को संकेत में ये समझाना चाहते हैं कि हमारी मांग जो है वो 25 सीटों।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल जीतन राम मांझी ने जब से बयान दिया है तब से सियासी गलियारों में यह हलचलें तेज हो गई है कि जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इसके बाद ये भी बयानबाजी होने लगी है कि इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली, और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में अब कुछ ठीक नहीं, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।